दोनों पैर दस गिर रिस्क ले लिया कुछ ज्यादा ही। गुड मॉर्निंग गाइस, डे टू। आज अपने विंटर स्नो कैंपिंग का सुबह की 6:30 हो रहा है। कल हम इस लोकेशन पर आए हुए थे और बाहर पर अभी भी स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। तो ये कुछ बाहर के नज़ारे हैं फिलहाल। दो टेंट लगाए थे कल हमने, और एक में हम सो गए थे, एक में सारा सामान रख लिया था। और रात को देख सकते हैं आप, स्नोफॉल ज़्यादा तो नहीं हुई है, हल्की हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई है। और अभी मौसम देखें, क्लाउडी वेदर है अभी भी। आज भी प्रिडिक्शन है कि स्नोफॉल होगी थोड़ी बहुत, तो देखते हैं। अगर स्नोफॉल हुई तो हम यहीं पर रहेंगे, वरना अगर मौसम ठीक रहा तो यहाँ से ऊपर को जाके कहीं दूसरी जगह पर टेंट पिच करेंगे। पर होगी स्नो कैंपिंग क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्नो है। कल बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी, तो अभी यहाँ पे कोई 2-4 दिन तो फिर भी स्नो रहेगी। गाइस, स्नोफॉल फिर से हैवी हो चुका है और लग रहा है आज फिर से हमें यहीं रहना पड़ेगा। ऐसे में सामान वान समेटना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहीं पर रहना पड़ेगा। देखते हैं। टेंट के ऊपर भी जमनी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे में यहाँ से जा पाना थोड़ा मुश्किल है। और थोड़ा आपको दिखाएं आगे, ये सामने आपको ये दिख रहा है, ये है एक लेक। अब पता नहीं ये फ्रोजन लेक है या फिर कैसा, इसमें जाना रिस्की है। लग रहा है कि शायद जम गई होगी ये। हाँ देखो, इतना ठोस भी नहीं है, टूट रहा है। ऐसे यहाँ पे भी है, सावधानी। देखो भाई साहब, दोनों पैर दस गिर, यहाँ तो पूरा दलदल है। सिट भाई साहब, अभी फंसा था मैं भाई साहब। रिस्क ले लिया कुछ ज्यादा ही। ओ भाई, धूप दिखी, फाइनली धूप दिखी यार। मैं सोच रहा हूँ चाय बना लूँ पहले, हल्की हल्की बर्फबारी हो ही रही है अभी भी, पर धूप भी दिख रही है, तो स्नो का यूज कर लेंगे, इसी स्नो का। चंदू भाई, हाँ, स्नो वाले पानी का टेस्ट कैसा था? भाई साहब, मैंने कल पानी नहीं पिया जिंदगी में, इससे गंदा पानी नहीं पिया। इतना मतलब टेस्ट ना इतना खतरनाक था इसका भाई। कल मैंने खाने के बाद पानी नहीं पिया। हाँ बस चाय वाय में यूज कर रहे हैं तो टेस्ट थोड़ा बदल जा रहा है, बदल जा रहा है, वरना भाई ऐसे पीना तो बहुत मुश्किल है। ये क्या है, जूता वहीं जम गया क्या? हाँ भाई, यहाँ पर ना सुबह जब जूता निकाल रहा था मैं, तो मेरे जूते ना बर्फ में शेड हो गए थे पूरे।
अब गैस भी पूरी तरह से मुझे लग रहा नहीं कि ये चलने वाला है। आज तो मोई मोई हो गया। अरे मैं कैसे पहनूं भाई यार इसको यार, तो बाप रे ये तो पूरा बर्फ बन गया, ना टाइट हो रखा है कि, और ये जैसे है वैसे है, कैसे होगा बाप रे। बस चाय पी लूं, थोड़ी गर्मी आ जाए, ठंडे जूते डाल के चल लो। क्यों वही रास्ता बचे लास्ट। हाँ, बात आती है अब बाहर आने की। तू भाई साहब चंदू भाई को लगभग 12 घंटे हो गए टेंट से बाहर निकलने हुए। हाँ तब से नहीं, पर अब निकलने के चांसेस हैं क्योंकि धूप आ चुकी है। अच्छा इसका कहने का मतलब है जब धूप निकले तब चंदू निकले, जब धूप ना निकले तो चंदू बाहर ना निकले। और यहाँ पे बर्तन साफ करने का बढ़िया तरीका, ड्राई जो आइस है उससे मस्त एकदम क्लीन। कैसी है चाय, टेस्टी करी? एक नंबर है भाई, सच में ऐसी चाय। बर्फ में मजा आ रहा है या फिर नहीं? बनी अच्छी है? नहीं सच में अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया से एकदम कट के हैं हम, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। अगले 24 घंटे तो हो ही गए लगभग, और 24 घंटे और बिना नेटवर्क में रहेंगे हम। पर आज तो मोई मोई हो जाएगा अगर आज हमने आग न जलाई तो। आज हम ऐसे लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पे लकड़ियाँ मिल जाए हमें, ताकि आग जला सकें और बढ़िया से कपड़े सुखा सकें कम से कम। जूते वगैरह पूरे गीले हैं अभी। ऊपर से मैं सामने जो लेक है उसमें गया, दल ऊपर से तो लग रहा था कि भाई ठोस है, मतलब ना शीशा टाइप का बना हुआ था ऊपर को। हाँ, जैसे पैर रखा दोनों पैर अंदर, भाई दलदल में फंसते बचा मैं। अगर अचानक से तेजस भाई अचानक से मैं डूब जाता तो चंदू भाई तो गहरी नींद में नहीं था मैं, लेकिन बाहर जाने के मूड में था ही ना। अगर ये बोलता चंदू भाई मैं बोलता हेट जाता ही नहीं सारा मैं जाता ही नहीं सच में गाइस। सुबह सुबह इतना ठंड है यार, तू बाहर निकल गया उधर, सुबह उठते ही यहाँ पर चल रहा है घड़क 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 घड़क। अगर सच में बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया वो रहता जो दलदल पे जैसे तू फंसता, चंद भाई मैं क्या बोलता, चल हट जाता ही नहीं सारा मर आप। अब जाके थोड़ा बहुत राहत है और मेरे पैरों के कंडीशन और तुम समझ सकते हो गाइस। क्यों तेजस भाई क्यों? अरे मुझे तो पूरे खराब हो रखे तो। और तो कुछ नहीं भाई, चंदू भाई ने यहाँ से कूड़ा तो साफ किया। और अब ऐसे में अगर मैं बाई चांस अगर ये वाले मुझे डाल लो ना भाई, देखो ये तो यार सच में बोलता हूँ तब मोई मोई हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आज ही टपक जाएंगे भाई। हाँ ना, तो सेफ्टी के लिए मैंने सुबह सुबह तेजस भाई को बोला भाई थैली वैली इकट्ठा करवा दे, भोजे बतवा लूँ मैं। ये कंडीशन है भाई इधर की, ज्यादा ब्रह्म रहना भी ठीक नहीं यार। हाँ, ऐसा ना हो कि भाई इस वीडियो के चक्कर में हम आगे से वीडियो ही ना आए। हाँ ये बात है।
ज़्यादा। गाइज आपको लोकेशन कैसा लगा बताना भाई? मेरे को तो सच में जन्नत ऐसा है ना कि हम वीडियो बनाते तो एक ही तरफा बनता है वीडियो, तो उतना तो दिखाने से, पर हमारी आंखें जो है अभी हम लाइव इतना बड़ा देख रहे थे, मेरे को तो बहुत बेस्ट लगी ये जगह। सोच रहे थे चाय ख़त्म होते ही पैकिंग कर लेंगे, बट चाय भी थोड़ी बची है और फिर से बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। तो कह रहे हैं अभी मौसम एकदम बदल रहा है बार बार, और फिर से मौसम बर्फबारी वाला। वैसे में समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलो फाइनली थोड़ा और मौसम क्लियर हुआ, बर्फबारी बन हुई, तो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। और एक बैग तो मैंने रेडी भी कर लिया, और इसके साथ टेंट वेंट क्लोज करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। नेक्स्ट लोकेशन टॉप में रहेगा कहीं ऊपर, यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे लेक ना, कल जब आ रहे थे उस टाइम पे पानी दिख रहा था, लेकिन अभी पूरी वाइट हो गई। तो पैकिंग करके हम आगे को बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ को आए तो यहाँ तो लग रहा है कि ज़्यादा स्नो है, वहाँ से 1-1.5 फीट स्नो लग रही है। यहाँ पे देखो आप पेड़ में पूरा स्नो। और यहाँ पे हमें ब्रांस के फूल भी दिखे भाई, देखो। तो अभी हम एक शेड के नीचे पहुँचे, देखो इसके नीचे हम सोच रहे हैं आग जला लें एक बार, कपड़े वगैरह सुखा लें। वैसे तो आज हमें जाना है नहीं वापस, क्योंकि रोड पूरी बंद है। यहाँ पर आग जला के पहले, यहाँ पर पहले से ही चूल्हा बना हुआ है, धूप भी आ रही है, अभी आग जलाने की ट्राई करते हैं। आग जलाने को तो देख रहे हैं, पर हमारे पास जलाने के लिए कुछ है ही नहीं, सूखी घास या सूखी लकड़ी वगैरह कुछ भी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्या पता यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत सूखा हुआ, ये मिल जाए। और यहाँ पे एक सूखी पेड़ तो दिख रही है, यहाँ पे अगर मिला सूखी घास तो मिली हल्की। जल जा। यो जली, आग जली भाई। तो आग जला ली, अब बनाते पानी। आग और पानी बहुत ज़रूरी है। और आज खाना हम ही भी बनाएंगे, क्योंकि भाई बर्फ़ में रहना बहुत मुश्किल है, ऊपर से हो सकता है बीमार हो जाए। टेंट तो अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत पत्थर है, साइड में टेंट लगाएंगे और वहाँ पे सो जाएंगे, और खाना बनेगा अपना यहाँ पे। तो आज की कैंपिंग लोकेशन अपनी ये रहने वाली है, और यहाँ पे अभी धूप भी आ गई। धूप आने के बाद ना ये जगह एकदम जन्नत लगती है, पर अभी टेंट लगा लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत टेंट गीला भी है, सूख भी जाएगा ऊपर से। टेंट भी कर लिया अब, यह अच्छा फील हो रहा है एकदम, अंदर से टेंट भी सूख चुका है, वरना भाई भीगा हुआ टेंट पैक करके लेके आया था। चलो अब कुछ शाम के लिए कुछ बना लेते हैं। और जैसे कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा अभी तक हम कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं,
पहले तो बनाएंगे हम नूडल, पानी एक बचा हुआ एक बॉटल तो वो यूज़ कर लेते हैं। एक बार नूडल बॉईल कर लेता हूँ, उसके बाद बनाएंगे नूडल। बर्फबारी फिर से स्टार्ट हो गई। ओ भाई यार कितना अच्छा, कितना अच्छा लगता है। क्यों बढ़िया, पर अच्छा तब तक ही लगता है जब तक शरीर में गर्मी है। शरीर में गर्मी है सच में बोलना, अगर ठंड लगी तो मैं बाहर ना आऊँ भाई। टाइम आ रहा है चंदू भाई का बाहर ना निकलने का। फिर चंदू भाई कल सुबह जब हम जाएंगे उसी टाइम पे दर्शन होंगे। कटिंग हो चुकी है, कैबेज कट चुका है, प्याज वगैरह काटते हैं, नूडल बनाते हैं, शाम के टाइम नूडल खाते हैं। हमारे नूडल बनेंगे क्या बर्फ में? क्यों नहीं बनेंगे, और दोनों मिलके बनाना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी ना। अजीनो है, अजीनो हो गया, स्पाइसी खाएंगे, और लेग हो गया, विनीगर हो गया, सोया सॉस होगा, नमक। कभी आपने खाई है क्या बर्फ वाली नूडल? बर्फ में नूडल बना के देखो। हाँ हाँ, अब स्नोफ्लेक्स ऊपर देखना भाई यार, स्नोफ्लेक्स बड़े बड़े आने स्टार्ट हो गए। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें तो लगातार जाता रहेगा भाई, कैसे ढके इसको। हाँ यार, ये तो हमारे लिए चुनौती हो गया। चल डाल दे थोड़ा, ये भी अलग एक्सपीरियंस रहेगा अपना। हाँ हाई कर देते बस, अगर इसमें पानी जाएगा तो ये तेल उछल जाएगा, तो इसको ढकने का कोशिश करते हैं ना हो सके। मेरे ख्याल से इधर लगातार ही घपके तक ना बर्फबारी होती रहती होगी। हाँ लगातार हम फंसने वाले हैं। कोई बात नहीं, कहाँ लेके आया आगे पे वो है क्या है? है अपने पास रहने को इमरजेंसी में। हाँ हाँ डाल दे भाई, कैरेट कैप्सिकम सब कुछ साथ में। नूडल कम और वेजिटेबल ज़्यादा, हमेशा करते हैं हम ना ऐसा, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल इतने सारे पड़े हुए हैं वैसे बर्बाद होने के कारण। हाँ एक दिक्कत है भाई, अगर हम फंस गए तो फिर अभी तो हम ज़्यादा ज़्यादा बना रहे हैं, फंस गए तो फिर भाई फिर मुश्किल हो जाएगा, कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे। यहाँ से जो मार्केट है वो करीब 7-8 किलोमीटर है, तो समझ जाओ पैदल जाना पड़ेगा ना गाड़ी से बनने। और पते ओ भाई साहब ये गिरा दिया, बाहर निकाल आ गए भैया तुझे। हाँ अरे वो आ गए भाई, ऊपर से नूडल नूडल। अरे बाप रे तो बहुत है भाई, इसके बाद खाना कौन खाएंगे? नहीं खाएंगे, बना लेंगे वरना कोई दिक्कत नहीं। बस मैं पलटने को जगह नहीं है यार, इसमें हो गया नमक। तो गाइस हमारा नूडल रेडी हो चुका है, लेकिन ऊपर से हैवी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है अब, और ऊपर से हमने बना रखे हैं चॉपस्टिक। तो इसको दो बार फ्राई करना पड़ रहा है ना? हाँ अलग अलग प्लेट में। ओ भाई मैं तो खाने वाला हूँ ऐसे ही। मस्त, बहुत ज़्यादा हो गया यार।
चलो हो गया, बचत करते हैं। देखो गाइस, नूडल खाते खाते देखो इतनी हैवी स्नोफॉल हो गई। अब सामने पे अपना जहाँ पे हमने आग ला रखी है, अब हमें चाहिए लकड़ियाँ, तो जंगल में जाना ही पड़ेगा फिर से। सोचा था मौसम साफ हो जाएगा, पर देखो यार फिर से वही हो गया। तो अब मैं जाता हूँ, थोड़ी लकड़ियाँ लेके आता हूँ ऊपर जंगल साइड से, क्योंकि कपड़े सुखाने हैं पहले, तो बहुत ज़रूरी। जूते पूरे गीले हैं, वो सुखाने हैं। अब हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ये देखो पूरी एरिया में सूखे सूखे पेड़ हैं, बट पहले भी गया था मैं स्टार्टिंग में, उस टाइम पे भाई अपने पास ना तो सौ वगैरह है जिससे कि लकड़ियाँ काट सकूं। देखो कहाँ पे टेंट है नीचे। ये सारी लकड़ियाँ जो आपको दिख रही है ना, ये सूखी हैं, पर हाथ से भाई टूटना मुश्किल नामुमकिन है। पहले भी ट्राई कर चुका, बस मुझे एक ठीक ठाक लकड़ी मिल जाए। सामने दिखी तो है, इसको लेके चलते हैं। चलो एक मिला, देखो काफी सुनो इकट्ठा हो गया। अब देखो गाइस टेंट फिर से भरने लगा, बार बार हटाना पड़ेगा वरना ये इसी पे जम जाएगा। और फिलहाल अब रात होने वाली है, तो टेंट को तो फिलहाल यहीं छोड़ देंगे और हम जाके बैठ जाएंगे अपने पीछे जहाँ पे हमने आग जला रखी है, यहाँ पे बैठेंगे। कपड़े सुखाने हैं थोड़े बहुत, उसके बाद देखते हैं कल का क्या सीन बनता है। अभी खाने का भी बनाना है, खाना वाना भी बनाना है, फिर कल का बताते हैं क्या होता है। अगर ऐसी स्नोफॉल होती रही तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते, फिर यहीं फिर से एक और कैंपिंग आप देख पाएंगे। अभी तक यार रात हो गई है, अभी तक हमने वीडियो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि जूते सुखाने में सुबह से कम 2 या 3 घंटे मैंने सुखाए। हाँ फिर अभी रात होती, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुखा रहे, सॉक्स सूख चुके हैं और साथ साथ में चावल बन रहे हैं। आज हम बना रहे हैं वेज फ्राइड राइस। जो चिकन बिरयानी का प्लान था शायद से कल मैं सोच रही, अगर कल यहाँ रहना पड़ा तो बैकअप में रखा होगा थोड़ा बहुत। अब कटिंग कर लेते हैं और बढ़िया से डिनर बनाते हैं, खाते हैं, बढ़िया से सो जाते हैं। सोना थोड़ा शायद लेट हो हमारा, लेट बहुत लेट हो गई। जब तक ये आग जलेगी तब तक तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे सुबह तक जलेगी मैं यहीं पर, क्योंकि यार टेंट में भाई बहुत, आज हम काफ़ी हाइट पे हैं तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो गाइस कटिंग करने वाले हैं हम अभी, और आग नहीं जल रही ऊपर से, लकड़ियाँ भी थोड़ी गीली है ना, पता नहीं इतना एक्सट्रीम लेवल का कैंपिंग हो रहा हमारा। ऊपर से जूते सूखे नहीं है, नंगे पैर बैठे हैं फिलहाल। तो चलो भाई स्टार्ट करो यार, जल्दी खाना बनाते हैं। अच्छा जल्दी बनाने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, बैठने तो यही है जब तक ये आग रहेगी तब तक। अगर 2 सेकंड भी आग को छोड़ा तो शायद से ज़िंदगी छोड़ बैठेंगे हम, क्यों ऐसी हालत हुई है भाई, दुनिया छोड़ बैठेंगे।
राइस आज अपना बन रहा है फ्राइड राइस, जैसे कि बता दिया, सिंपल सा बन रहा है यार। जा रहा चावल अभी तक तो ऐसे थे, मतलब कि फ्रेश टाइप के, थोड़ा जमीन में रखा ना ये बर्फ से, मतलब माइनस है, तो इधर ये पता नहीं हार्ड बन गई फिर से वापस। हाँ। ऐसा लग रहा है कच्चा है पर पका है ऊपर ऊपर। ऊपर से फ्राइड राइस मसाला डाल देंगे। प्लेट लाना, अगर है खाना तो प्लेट लाना। कोई चट्टान काट रहा है या घी निकाल रहा है भाई? भाई थोड़ी सबर रख, सबर कर ना भाई, तब जाके इतना बड़ा आएगा ये। हाँ लग रहा है थोड़ा घी वाला टेस्ट भी आएगा थोड़ा सा। हम खा लेते हैं एक बारी, फिर जाके देखते हैं क्या होता है, क्या हम रात भर सोएंगे नहीं। या नहीं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, पहले खा लेते हैं। तो टाइम रात के 12 बज चुके हैं और अभी तक हम आग जली हुई थी तो बैठे हुए थे, बस अब लकड़ियाँ भी लगभग एंड होने वाली हैं और ऊपर से लग रही नींद। और अभी आप देख सकते हैं ऊपर से हल्की हल्की स्नोफॉल अभी हो ही रही है अभी फ़िलहाल। तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी अंदर सारा सेटअप, बेड वगैरह मैट वेट लगा के सो जाते हैं पहले, फिर देखते हैं सुबह का पता नहीं क्या होने वाला है, कल का कुछ नहीं पता अभी, यहाँ रुकेंगे या फिर जाएंगे ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। फिलहाल सोते हैं। तो यही था, अब सोते हैं। कल शायद मॉर्निंग में अगर वीडियो शूट करूँगा तो, या फिर यहीं रहे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और दिन यानी तीसरा दिन अपना आज स्नो में लगातार, और सुबह के कोई 7 के आसपास का टाइम हो रहा है। अभी थोड़ी देर में धूप आने वाली है, सामने पेड़ों पर दिख रही है। कल की रात जितनी उम्मीद करी थी ठंड लगेगी उससे थोड़ी कम तो लगी, बट लगी अच्छी, नींद भी आई बढ़िया, सुबह उठ गए थे हम जल्दी। सुबह सुबह का सीन भाई, पंचाचूली एकदम बर्फ़ से ढकी पड़ी है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है मुंशियारी में, खासकर खलिया टॉप की साइड को तो बहुत ही ज़्यादा, 2 फीट से ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा ब्लॉग चैनल पर आपको देखने को मिलेगा ये सारा। फिलहाल एंड करते हैं कैंपिंग वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 दिन 2 कैंपिंग में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और कैंपिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए Bye.